आपके माँ बाप पर क्या गुजरती है पता है? डर से रूह कांप जाती है माँ बाप की। और अगर वही लड़की कॉलेज से लौट के घर ही ना आए तो? अरे शंकर, आजकल करीम चाचा नहीं आते हैं, बाइक अब खराब नहीं होती? आपको पता नहीं उनकी बेटी एक रोड एक्सीडेंट में मर गई, अभी पिछले हफ्ते की तो बात है। कॉलेज से लौटते वक्त एक लॉरी उसे उड़ा के चली गई। समझ भी नहीं आता ये ऊपर वाला अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर बैठता है। दोष ऊपर वाले का नहीं, उन दरिंदों का। उसका खून कर दिया, सड़क पर फेंक दिया, कत्ल को एक्सीडेंट बना दिया। चार लड़कों ने मिलकर उनकी इकलौती बेटी का मर्डर कर दिया। शक तो मुझे भी है, पर वो सारे बड़े लोग हैं, पीछे एक सबूत तक नहीं छोड़ा जिससे हम उन तक पहुंच पाए। लड़की के परिवार में इतनी दहशत है कि उनकी बहन बेटियां डर के मारे घर से बाहर कदम नहीं रख रही। मुझे भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, पर मुझे यकीन है कि वो कानून के हाथ जरूर लगेंगे। और वो दिन कब आएगा? हरी, इन्हें समझाओ ना, ये कोई गाड़ी नहीं है कि इंजन खोला और रिपेयर कर दिया। गराज वाले मरम्मत करते हैं तो जनता गराज वालों ने भी वही करने का सोचा। कौन है तू? तुझे इस बात का अंदाजा भी है कमीने, कि लड़की को अगर कॉलेज से घर आने में एक पल की भी देर हो जाए तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है पता है? डर से रूह कांप जाती है माँ बाप की। और अगर वही लड़की कॉलेज से लौट के घर ही ना आए तो? वो चारों लड़के मारे गए। हाँ, मैंने भी सुना है, एक्सीडेंट में मारे गए ना। इसमें आपका हाथ था? बस एक बार कह दीजिए कि ये आपने नहीं किया। वो चारों उसी तरीके से मरे जिस तरह से बेचारी वो लड़की मरी। वो भी एक्सीडेंट था और ये भी। ऊपर वाला शायद यही चाहता था। आप जानते भी हैं आपने क्या किया? आप यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। आप भले और शरीफ लोग हैं। शरीफों को ही तो लोग तबाह कर रखते हैं, इसलिए हिम्मत दिखाना जरूरी है। हिम्मत का मतलब खून करना नहीं होता। जिस करीम चाचा की बेटी चली गई, उन्होंने अपना दर्द मुझे बताया। जरा सोचो, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? उसके बाद जिन्हें छोटी मोटी कोई भी तकलीफ होती वो सीधा जनता का राज जाते, और जनता का राज वाले भी लोगों की समस्या को अपने तरीके से हल करते।